जगह थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा बंजारी टोला में बुधवार रात 9 बजे करीब 35 वर्षीय एक युवक को दोस्त की बीवी पर कमेंट करने पर दो दोस्तों ने ही पीट पीट कर घायल कर दिया। गुरुवार की सुबह 7 बजे उसकी मौत हो गई। स्वजन ने 9 बजे से एक घंटे तक गोरखपुर देवरिया मार्ग पर शव रख कर जाम रखा। वह हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। स्वजन के आरोप पर पुलिस ने गांव के ही युवक को हिरासत में ले लिया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगह थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा गांव निवासी 35 वर्षीय मनोज निषाद बुधवार रात घायल अवस्था में गाँव के ही कोलाहल निषाद के घर के पीछे निवस्त्र अचेत पड़ा था। उनके शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान थे। स्वजनों के अनुसार उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। जानकारी होने पर स्वजन उसे घर ले गए तथा सुबह मनोज की मौत हो गई। स्वजन ने गांव के ही दो लोगों को हत्या करने की बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। हत्या में शामिल एक व्यक्ति को अचानक गांव में ही देखकर स्वजन ने गोरखपुर देवरिया मार्ग पर दौड़ा लिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर उसे हिरासत में ले ली। मृतक मनोज मूल रूप से चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रामनगर का निवासी है। उसकी शादी जगह थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा गाँव के राम दयाल निषाद की पुत्री नीता से हुई थी। वह अपने ससुराल में ही रहकर मजदूरी करता था। उनकी 13 वर्षीय एक पुत्री खुशबू और 8 वर्षीय मनीष एक पुत्र है। घटना की जानकारी होते ही एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, जगह खोराबार चौरी चौरा पुलिस, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा अखिलानंद उपाध्याय मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मनोज, मंगेश, पन्नेलाल एक साथ रात में खाना खाएं। खाना खाते समय ही मनोज ने पन्ने की पत्नी के संबंध में कुछ अभद्र टिप्पणी कर दिया, जो पन्नेलाल को नागवार लगा और वहीं मारपीट शुरू हो गया। मारने पीटने में पन्नेलाल का मंगेश ने भी सहयोग किया। उसके बाद मनोज अपने घर चला गया, जहाँ आज सुबह मनोज की मौत हो गई। घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों मंगेश कुमार व पन्नेलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कैसे उनका पहले गटे कसे है, ठीक है, उसके बाद उसको सीना पे ईटा ईटा मार के और दीवार में लड़ा रहे थे सब। भाई 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 दोनों जने सीने लगा के और नशा के ओकरे बाद ओके मरले हमें सब पिए पिए थे, ठीक है। अब उसके बाद में हम घर चले गए तो एक है और एक लड़का और था, और जो मंगेश है इन्हीं का सपोर्टर है, जो मार के भागा है उसी का सपोर्टर है मंगेश। झंगरा थाना अंतर्गत आज जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसमें दो व्यक्तियों को नामजद किया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है और उनको जेल भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सो इसका कारण क्या था? ये तीनों आपस में मित्र थे और बात कर रहे थे। इसके द्वारा मंगेश के द्वारा बताया गया कि मृतक मनोज ने मंगेश से और पन्ने की पत्नी के बारे में कुछ अपशब्द कहे, जिसी से लड़ाई हो गई और उसी में इसके कई अंदरूनी चोट आ गई जिससे इसकी मृत्यु।